महात्मा जी प्रणाम। ये मैं आपके लिए भेंट लाया हूं, कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। परंतु मैं इन सारी चीजों को लेकर क्या करूंगा? अगर इनको लेना ही होता तो मैं अपना घर क्यों छोड़ता? परंतु जोरों की सर्दी पड़ रही है, आपके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। ये वस्त्र आपको सर्दी से बचाएंगे, कृपया करके इसे स्वीकार कर लीजिए। आपके पूरे शरीर पर तो गरम वस्त्र है, परंतु नाक और आंख तो खुली हुई है। क्या उनको सर्दी नहीं लगती? क्योंकि उनको सर्दी और गर्मी सहने का अभ्यास हो गया है। यही हाल मेरा भी है। मुझे भी सर्दी और गर्मी सहने का अभ्यास हो गया है। महात्मन, मेरे पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं है, पर शांति नहीं है। दया कर कर मुझे ये बताइए कि शांति कहाँ मिलेगी? तुम्हारे मन में लोगों को हराने की लालसा है और तुमने खूनों की नदियां बहाई है, तो तुम्हें शांति किस प्रकार मिल सकती है? हे महात्मन, तो अब शांति का क्या उपाय है? हे राजन, अब तुम लड़ाई झगड़ा छोड़कर भगवान की भक्ति में मगन रहो, तुम्हें शांति खुद ब खुद मिल जाएगी। सत्य के मार्ग में चलो। धन्यवाद महात्मा। सिकंदर महात्मा की बात सुनकर युद्ध का विचार त्याग कर यूनान लौट गया।